हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम बनाएंगे स्टफ कैप्सिकम। तो सबसे पहले एक पैन में यहाँ हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद जो है जीरा क्रैकल हो जाए तो हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट इसको सॉटे करेंगे मीडियम हीट पर। 1-2 मिनट प्याज जरा सॉटे हो जाए तो नमक डालिए, हल्दी डालिए आपके स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसके बाद मसालों को आप अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू, और इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। आलू डालने के बाद जो है इसको अच्छे से पूरा मिक्स करना है, जो मसालों में अच्छे से पूरा मिल जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मटर, ये भी उबला हुआ मटर है। मटर भी डाल करके इसको 1-2 मिनट ही कुक करना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो सब आलू और मटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और लेमन का जूस। लेमन जूस डालने के बाद जो है हमारे ये स्टफिंग जो है ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब लास्ट में जो है आप इसमें चाहे तो बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ, आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो स्प्रिंग ऑनियन डाल करके बस इसको मिक्स करना है और गैस को ऑफ कर देना है। तो हमारा ये जो स्टफिंग है ये बन करके तैयार हो गया है। अब हम शिमला मिर्च लेंगे, इसको बिल्कुल जैसा मैं दिखा रही हूँ आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ऊपर से इसको टॉप को इसको कट कर देंगे और साइड से एकदम हल्का सा इसको कट करना है, पूरा नीचे तक नहीं काटना है। और बीच का जो ये सीड्स है इसको निकाल कर एक कैविटी बनाएंगे। सब शिमला मिर्च को आप ऐसे ही करके काट के रख लीजिए और इसके अंदर जो तैयार स्टफिंग है उसको भरेंगे। अच्छे से आप दबा दबा करके सब स्टफिंग को इसमें अंदर फील कर लीजिए। और ऊपर से ये मैंने मोजरेला चीज डाला है, ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है तो मैं डालती हूँ मोजरेला चीज। मोजरेला चीज डालने के बाद इसको ऊपर से आप इसको इसका जो हमने टॉप काट के निकाला था उससे आप इसको कवर कर दीजिए, नहीं तो जब आप इसको एयर फ्रायर में कुक करेंगे तो मोजरेला जो है मेल्ट होके पूरा ऊपर से गिरेगा। तो इसलिए इसको आप कवर करके पकाइए। एयर फ्रायर को पहले आप प्री हीट कर लीजिए, उसके बाद सब स्टफ कैप्सिकम को आप रख दीजिए। ऑयल स्प्रे कर इसको 360 फारेनहाइट पर आप इसको अराउंड 15 मिनट तक इसको कुक करना है। और बीच में आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि कुक हुआ है कि नहीं। ये 10 मिनट हो गए हैं और इसको मैं चेक कर रही हूँ, इसको ज़रा सा उलट पलट कर देंगे अच्छे से, देख लीजिए किधर और होना है नहीं होना है, तो इसको वापस और रख देंगे इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, पूरा टोटल 15 मिनट हो गए हैं और ये जो हमारा कैप्सिकम है स्टफ कैप्सिकम बन करके तैयार हो गया। आप इसको नॉर्मल प्लेन दाल राइस के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं।